हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ गगन। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये रोड वर्क जो भी होता है इसमें जितनी भी लेयरें पड़ती हैं उसमें लेयरों के जो लेवल उठाए जाते हैं उसके ये फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं। फॉर्मेट कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हर लेयर का अलग फॉर्मेट बनाना पड़ता है, इसी से जो है बिल होता है कि हमने कितनी मिट्टी डाली या कितनी GSB डाली। ये फिलहाल एम्बैकमेंट टॉप लेवल टॉलरेंस शीट है, इसमें दिखा देखो 4 लाइनिंग ऑफ जींद गुहाना पैकेज 1 यानी कि जो कैंप अपना लगा हुआ है वो पैकेज 1 के अंडर में सेक्शन फ्रॉम 0002 किलोमीटर 40+601 लेंथ। ठीक है, यानी कि जो अपनी लेंथ आ रही है अपने पैकेज 1 के अंडर में वो 40 किलोमीटर की आ रही है, ये लिखा है लेंथ ऑफ NH 352A इन द स्टेट ऑफ हरियाणा अंडर भारतमाला परियोजना अंडर NHO2B इम्प्लीमेंटेड हाइब्रिड एन्यूटी मोड। तो ये दोस्तों भारतमाला प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन ये भारतमाला परियोजना के अंडर में आता है। अंडर में ऐसे आता है कि देखिए दोस्तों भारतमाला बन रहा है तो ये रोड जो सारे हैं ना वो इसी में टच हो रहे हैं जाके, तो इसलिए इसका नाम रख दिया। वैसे ये मिलिट्री रोड बन रहा है, ये जींद से मुरथल तक बन रहा है टोटल, जो ये पैकेज 1 के अंडर में आ रहा है और जींद से गुहाना तक आ रहा है। ब्रिज गोपाल कंपनी इसको कर रही है, हमारी कंपनी का नाम सागर रियल टेक है, हमने ब्रिज गोपाल से अर्थवर्क का काम ले रखा है। पहले मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ना इंजीनियरों के काम है। अगर आप ग्रेडर ऑपरेटर हैं, JC ऑपरेटर कोई भी, वो देखने को देख सकते हैं वीडियो लेकिन शायद आपकी ना समझ में आए, लेकिन जो फ्रेश इंजीनियर हैं जिनको फॉर्मेट भरने का तरीका ना पता हो उनके लिए है भाई। देखो MCW इसका मतलब होता है मेन कैरिज वे एम्बैकमेंट टॉप लेवल टॉलरेंस सीट। एम्बैकमेंट टॉप होता है जो सबग्रेड टॉप से पहले एम्बैकमेंट टॉप बनता है। सबग्रेड से जो जितनी भी लेयरें पहले आती हैं वो एम्बैकमेंट की लेयरें कहलाती हैं, फिर एम्बैकमेंट टॉप हो जाता है, फिर सबग्रेड की फर्स्ट लेयर आती है, सबके सेकंड, फिर सबके टॉप। यहाँ लिखा है देखो डेट चैनेज फ्रॉम टू, ये चैनेज नंबर यहाँ लिखा जाएगा। TCS होता है टिपिकली क्रॉस सेक्शन, यानी कि जिस ड्राइंग टाइप कैसी ड्राइंग है यहाँ इस जगह की तो उसमें आएगा ये TCS 1, 2, 3, 4, 7। ये होता है TBMRL जो टेम्परेली बेंच मार्क के रोड लेवल रहता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। BS जो आपको पता ही है बैक साइड जो हम ऑटो लेवल से लेते हैं बैक साइड। HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेयर कौन सी लेयर है, साइड LHS है या RHS है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये चैनेज हो गया, ये FRL होगी, ये कैम्बर हो गया कितने परसेंट कैम्बर है, और ये देखो 2.5% का कैम्बर है, ये ऑफसेट हो गए यानी कि कितने कितने मीटर पे लेवल उठाए हैं। ये हमारा पैड हो गया, टॉप बनाने के बाद में जब हम लेवल उठाते हैं तो एक यहाँ पे उठाया, एक यहाँ पे उठाया, एक यहाँ पे उठाया, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसे ऑफसेट बोलो। ऑफसेट क्या है, पहला पॉइंट हमने 0 पे लिया, फिर दूसरा 2 पे, फिर 2.5 पे, फिर 6 पे, फिर 9.5 पे, फिर 11, फिर 13, 15.17 पे। ये हो गया डिजाइन लेवल, यानी कि जो लेवल पे रोड आना है। यहाँ निकल के आता है ARL एक्चुअल रोड लेवल जो हमें मिल रहा है, एक्चुअल में जो मिल रहा है हमारे बनाने के बाद। ये हो गया IS इंटरमीडिएट साइट, यानी कि जो स्टाफ से हमने रीडिंग ली वो यहाँ पे लिखी जाएगी कितनी रीडिंग आई। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस लिखा जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कितने mm प्लस में बेड बना है, कितने mm माइनस में बेड बना है। तो सबग्रेड टॉप में जो है दोस्तों 15 mm माइनस और 10 mm प्लस चल जाता है। वैसे एक्चुअल जो रहता है 0-0 मिल जाता है, कहीं ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर बेड जो है सबग्रेड 1-2 सेंटी में जरूर आपको रहेगा ही रहेगा, कहीं 2.5 सेंटी भी हो जाता है लेकिन इतना चल जाता है थोड़ा कन्वेंस करने के बाद क्लाइंट को या कुछ भी, वो अकॉर्डिंग टू आपकी काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है आप किस तरीके का काम कर रहे हो। डाउन तो मान जाएंगे लेकिन अप मानने में दिक्कत करते हैं, अप नहीं होना चाहिए क्योंकि अप आएगा तो GSB कम आएगी जो सबग्रेड टॉप के ऊपर पड़ेगी। लेकिन एम्बैकमेंट टॉप में आप 2.5 सेंटी या 3 सेंटी प्लस माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसके ऊपर दोबारा मिट्टी आनी होती है। भाइयों जैसे ये इधर ये बना पड़ा है, ये सारणी टाइप बनाई पड़ी है, ये मैंने इधर अपनी कॉपी बनाई है आपको समझाने के लिए क्योंकि इधर मैं रफ नहीं कर सकता। कैलकुलेटर दे दे दो पवन जी, अपने साथ हैं पवन जी। जैसे दोस्तों ये मैंने माना हुआ है, जैसे TCS 1 मान लिया सपोज करो, जैसे मैथ के टीचर बताते हैं, ये RL मैंने 227+779 मान लिया जो रोड लेवल है अपना, ये BS मान लिया जैसे अपने ऑटो लेवल लगा के जो BS बैक साइड लिया 1.301, बैक साइड को RL को जोड़ेंगे, इसकी HI बनाएंगे। अब जैसे 227.779 प्लस 1.301 बराबर 229.00। डेट डाल दी मैंने यहाँ पे, चैनेज नंबर लिख दिया भाई 15200 से 15300 तक, ये 100 मीटर का ही होता है ये एक पेज। लेयर इस पे लिख दी मैंने ई टॉप, जैसे लेयर भी लिख सकते हो आप, जैसे एम्बैकमेंट टॉप है तो इसी तरीके से समझा रहा हूँ मैं। एम्बैकमेंट फर्स्ट भी लिख सकते हो, सेकंड भी लिख सकते हो, यानी जिस लेयर का आप फॉर्मेट बना रहे हो वो आप लिख सकते हो। साइड लिख दिए मैंने, जैसे ये RHS लिख दिए, एक चैनेज का है दोस्तों ये, सिर्फ ये इतना जो है ना एक चैनेज का इतना ये बनाना पड़ता है। सॉरी दोस्तों ये चैनेज के सामने मैंने लिख दिया है, ये डिजाइन लेवल, डिजाइन लेवल इसका यहाँ लिखा जाएगा इस जगह पे, छोड़ दो आप गोली मारो। अपना
IS भरना होता है सबसे पहले इसमें, ये IS से फिर अपना ARL निकालेंगे। और डिजाइन लेवल दोस्तों मेरा एक्चुअल नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसमें डिजाइन लेवल जो इसमें है और मैं कौन सा वहाँ पे करेक्ट उठा के लाया पवन जी, तो वो आएगा नहीं, इसलिए हम डिजाइन लेवल भी इसका बाद में लिख के आपको समझा दूंगा। अब इसी तरीके से मान लो यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट साइड आई है 1.30, ठीक है, चाय में से इस इंटरमीडिएट साइड को घटाएंगे तो 229 माइनस 1. ये इंटरमीडिएट साइड साइड है अपनी 30 यार, ये गलत क्यों जा रहा है, 229.000 माइनस 1.130। ये पवन जी इसका बराबर कैसे लाड़ी अरे सर जी किस पे कर रखा था फिर 227.870 जैसे 27.870। अब ये अपना आया। अब दोस्तों मेरे को डिजाइन लेवल जो है वो पहले से यहाँ पे लिखे रहते हैं, लेकिन ये मैं खाली आपको वैसे ही सपोज में बता रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे को समझाने के लिए यहाँ पे डिजाइन लेवल खुद ही लिखना पड़ेगा 227.880 लिख दिया मैंने। तो जैसे अपना ये तो डिजाइन लेवल था, और यह अपना एक्चुअल रोड लेवल जो हमें जो मिला बनाने के बाद में, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आया कितना 10 mm माइनस, यानी कि 10 mm जो है अपना बेड जो है वो माइनस में आया है, यानी कि 1 cm बेड जो अपना माइनस में आया। इसी तरीके से दोस्तों आपको मैं प्लस का बता देता हूँ, तो 1.140 लिख देंगे और इसको अब घटा देते हैं, तो ये आया दोस्तों 227.860। इसका तो अभी अपना डिजाइन लेवल जो है यहाँ पे था मान लो 227.850 लिख दिया, तो 860 में से 850 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 mm अपना जो बेड है वो प्लस में गया 0.010। तो ये अपना बेड जो यहाँ पे 10 mm प्लस में आया, तो ये दोस्तों ये लिखना पड़ता है सब बना बना के इस तरीके से, ये अपने ये बनता है फॉर्मेट, ठीक है। तो ये दोस्तों हर लेयर पे बनानी पड़ती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। अरे भाई बाकी को तो समझ में नहीं आया होगा, जो जनता अपने से ज़्यादा जुड़ी हुई है हमारे जैसी, तो भाई ये जो इंजीनियर हैं नए बेचारे सीख के आए तो उन्हीं के लिए है, फॉर्मेट ना बनाना आता हो। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, जय हिंद वंदे मातरम, बाय। ऐसी ऐसी वीडियो दोस्तों बीच में आती रहेंगी ब्लॉग की, ओके।